गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस टॉपिक हमने लिया था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या, हमने परावर्तन की व्याख्या कर ली थी। आज का टॉपिक हमारा है हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या। तो आज का टॉपिक ले रहे हैं हम हाइगेंस के सिद्धांत हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा समतल समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो अब हम कर रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या। तो देखें, सबसे पहले इसका डायग्राम हम लेंगे। ये अपवर्तक सतह है जिसका नाम हम दे सकते हैं एम एम डैश। यहां पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है ये प्रकाश किरण एक, ये प्रकाश किरण दो। यहां पर ये हम सपोज हम मान लेते हैं ये अभिलंब है, ये एम एम डैश दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, माध्यम एक और माध्यम दो को ये अभिलंब। यहां पर जो है ये विरल माध्यम ले लेते हैं हम, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, ये ले रखा है विरल माध्यम जिसमें वेग है V1 प्रकाश किरण। ये माध्यम दो है, ये सघन माध्यम, तो माध्यम सेकंड हो गया जहां वेग है V2। माध्यम अलग अलग है तो वेग भी अलग अलग होंगे। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक गई प्रकाश किरण एक जो विरल से सघन में प्रवेश करती है। ऐसे प्रकाश किरण दो है, यह भी विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो यह भी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये तो हो गई किरण 1 डेज और ये हो गई किरण 2 डेज। अब हम बात करें यहां पर हम ये AB जो है मेरे पास ये है आपतित समतल तरंगाग्र। AB जो है ये आपतित समतल तरंगाग्र है जैसे हमने उसमें लिया था। जब ये आपतित समतल तरंगाग्र है तो इस तरंगाग्र और ये किरण एक और दो इसके संगत प्रकाश किरणें हैं। जब इस समतल तरंगाग्र आपतित समतल तरंगाग्र का ए सिरा या बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है तो सिरा भी इसको स्पर्श नहीं करता है। माना कि बी को सी तक
माना कि बिंदु बी को बिंदु सी तक आने में स्मॉल टी समय लगता है, तो ये बीसी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बाद चाल इंटू समय, चाल क्या है यहाँ वी वन है, तो ये बीसी दूरी जो होगी ये हो जाएगी वी वन टी, बी से लेकर सी तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी वी वन टी। अब बात करें हम, ये तो वी वन टी हो गया बी से लेकर सी तक की दूरी, लेकिन इतने समय में ये स्पर्श कर चुका था, यहां से यहां तक आया तो सीधा ए जो है ये भी अपवर्तित हो जाएगा, माध्य दो में चल जाएगा, अपवर्तित होकर कितनी दूरी तय कर लेगा इसी समय में ये वी टू, क्योंकि यहाँ वेग क्या है वी टू और टी समय लग रहा है तो गुणा हो जाएगा, तो वी टू टी दूरी ये तय कर लेगा। तो जब वी टू टी दूरी तय कर लेगा तो हम क्या करते हैं, बिंदु ए को केंद्र मानकर वी टू टी का चाप ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं चाप काट कर यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देते हैं सी से सी डी। ये सी डी हमने स्पर्श रेखा खींच दिया चाप काट कर, तो ये आपतित तरंगाग्र है तो यहाँ पर आपतन कोण आई बनेगा, ये सी डी परावर्तित तरंगाग्र हो गया तो ये परावर्तन कोण आर बनेगा, सॉरी अपवर्तन कोण आर बनेगा, ये कोण आई है इसे ही देखा जाए तो ये अपवर्तित किरण का आर, जैसे ये किरण तो आर मेन तो अपन को इससे इससे मतलब है। तो ये तो हो गया हमारे पास डायग्राम, विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, इसकी थ्योरी लिखेंगे हम, थ्योरी के बाद फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी तो देखें वही हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, पहले तो ये लिखेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए, ये चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक अपवर्तक सतह अपवर्तक सतह हाई गेंस, सबसे पहले थ्योरी आएगी हाई गेंस की या हाई गेंस के तरंग सिद्धांत, हाई गेंस के तरंग सिद्धांत हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए उपरोक्त चित्र में, जो उपरोक्त चित्र है उपरोक्त चित्र में एम एम डेज एम सॉरी एम 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 डेज एम और एम डेज क्या ले लिया हमने, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला प्रश्न समझने के लिए उपरोक्त चित्र में एम एम डेज दोनों माध्यमों पृथक कर रहा है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला समतल पृष्ठ है या सतह है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला समतल पृष्ठ है या समतल सतह है, समतल पृष्ठ है और यह पृष्ठ है तो चाहो सतह लिख दो पृष्ठ बात है कि समतल पृष्ठ है। अब बात करें हम, माना कि माध्यम एक में प्रकाश का वेग क्या है V1 और माध्यम दो में प्रकाश का वेग क्या है V2, लेकिन V1 is greater than V2 तो जिसका माध्यम वेग ज्यादा होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, तो इसको भी हम आगे लिख सकते हैं। माना कि माध्यम फर्स्ट
माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल V1 तथा माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल V2 है। माध्यम फर्स्ट में तो प्रकाश की चाल क्या है V1 और माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल क्या है V2 है। यहां V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब इसका वेग ज्यादा है इसका वेग कम है, तो जिसका वेग ज्यादा होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 है, इसलिए माध्यम फर्स्ट कौन सा होगा, इसलिए माध्यम फर्स्ट विरल माध्यम, विरल माध्यम तथा माध्यम सेकंड सघन माध्यम होगा। मतलब जो ये पहला माध्यम है इसके ऊपर वाला MMS के ऊपर वाला, ये यहाँ पर प्रकाश की चाल V1 है और दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल V2 है, लेकिन यहाँ पर V1 मतलब जो V1 का मान है वो V2 से ज्यादा है, तो इसका मान ज्यादा हुआ तो इस वजह से जो माध्यम फर्स्ट है वो विरल माध्यम कहलाएगा और जो माध्यम सेकंड है जिसमें चाल कम है वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इसके उपरोक्त चित्र में AB क्या है, हमारे पास एक समतल तरंगाग्र और किरण एक और दो इसके संगत किरणें हैं, तो यहां लिखेंगे हम उपरोक्त चित्र में, पैराग्राफ चेंज कर दिए, उपरोक्त चित्र में AB एक समतल तरंगाग्र है, समतल उपरोक्त चित्र में AB एक समतल तरंगाग्र है जिसके संगत प्रकाश किरणें, जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः क्या है एक और दो, जिसके संगत जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः एक एवं दो है, जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः एक एवं दो है, तो ये एक और दो इसकी संगत हो गई, मतलब AB आपतित समतल तरंगाग्र हो गया और एक और दो इस पर क्या होगी प्रकाश किरण, तो ये हो गया। तो आपतित भी चाहे तो हम लिख सकते हैं यहां समतल तरंगाग्र, मतलब आपतित समतल तरंगाग्र, तो ये आपतित हो गया, ये बाद वाला जो बनेगा वो परावर्तित होगा, अभी देखते हैं हम आगे एक और दो है। अब आगे देखें तो किरण क्रमशः जिसके संगत प्रकाश किरणें क्या है एक और दो है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, जब समतल तरंगाग्र AB का मतलब इस समतल तरंगाग्र का ये सिरा इसको स्पर्श करेगा तो सिरा भी स्पर्श नहीं करेगा, जब समतल तरंगाग्र AB का बिंदु A या सिरा A
बिंदु ए अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठ, कुछ भी लिख लो, अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है। AB का बिंदु ए अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है, तो इसका सिरा या बिंदु बी अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है, करता है तो इसका बिंदु बी करता है, तो इसका बिंदु बी अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है। मतलब जब ये जो आपतित समतल तरंग आ रहे, जिसका इस एबी का जब सिरा ए इस अपवर्तक सतह को स्पर्श कर रहा है तो सिरा बी इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, मतलब ये दूरी है। तो जब इसको बी से सी तक जाने में कुछ समय लगेगा, माना कि टी समय लगा और चाल है बी वन, तो बी सी दूरी क्या हो जाएगी, बी वन टी हो जाएगी। जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये तो पहले ऑलरेडी पहले पहुंच चुका है, तो ये भी अपवर्तित होकर आगे गति आगे पहुंच जाएगा, और वहां तक का चाप काट कर हम इस पर सी से स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो बन जाएगा परावर्तित, मतलब अपवर्तित तरंगाग्र। जैसे आपतित तरंगाग्र हो जाएगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। तो ये हो गया अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है, जब ये इसको स्पर्श कर रहा है तो सीधा बी स्पर्श नहीं करेगा। अब आगे बात करें हम, माना कि बिंदु बी को बिंदु सी तक, बिंदु बी को बिंदु सी तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता हो, माना कि बिंदु बी को माना कि बिंदु बी को बिंदु सी तक पहुंचने में बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है, स्मॉल टी समय लगता है, तो क्या होगा, लगता हो या लगता है तो माध्यम पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो बिंदु बी को बिंदु सी तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है, तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी स्मॉल टी समय लगता हो तो, ये पहला माध्यम है, इस माध्यम में तय की गई दूरी हो तो माध्यम पृष्ठ, तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी, तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी, दूरी क्या है माध्यम पृष्ठ में, BC तय की गई दूरी BC बराबर चाल क्या है v1 t होगी। ये हमने निकाली, ये BC दूरी, मतलब अब ये B से C तक इसको स्पर्श कर चुका है, जब ये यहां तक आ गया तो ये भी यहां से अपवर्तित होकर कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जब तय कर चुका है तो ये भी यहां से अपवर्तित होकर कितनी दूरी, कितने ही समय में ये भी v2 t दूरी तय करेगा, क्योंकि नीचे चाल v2 है तो v2 से मल्टीप्लाई होगा, v1 से नहीं होगा क्योंकि इसकी चाल बदल गई है दूसरे माध्यम में, समय तो वही लेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फिर आगे, इस समय में बिंदु कौन सा बिंदु है हमारे पास, इस समय में समतल तरंगाग्र का बिंदु ए, समतल तरंगाग्र एबी का बिंदु ए, इस समय में समतल तरंगाग्र, इस समय में समतल तरंगाग्र एबी
का बिंदु ए अपवर्तित होकर बिंदु ए अपवर्तित होकर कितनी दूरी तय कर लेता है बी टू डी, क्योंकि समय तो वही है, अपवर्तित होकर माध्यम दो में, अभी माध्यम पहला का ऊपर वाला, अभी नीचे वाला क्या है माध्यम दो, यहां लिखेंगे अपवर्तित होकर माध्यम दो में, माध्यम दो में वी टू, माध्यम दो में वी टू टी, क्योंकि वेग वी टू हो गया यहां पर, वहां वी वन था ऊपर, वी टू टी, असल में वही है वी टू टी दूरी तय कर लेता है। तो इसने कितनी दूरी तय कर ली, बी टू टी दूरी तय कर ली। अब हम क्या कर देते हैं कि इस बिंदु ए को केंद्र मानकर बी टू टी का इस पर चाप काटते हैं और सी से इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अतः बिंदु ए को केंद्र मानकर, अतः बिंदु ए को केंद्र मानकर अतः बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या करेंगे हम, केंद्र मानकर वी टू टी चाप, वी टू टी चाप, केंद्र मानकर वी टू टी चाप काटकर, वी टू टी चाप काटकर बिंदु सी से, बिंदु सी काटकर बिंदु सी से इस पर स्पर्श रेखा सी डी खींचते हैं। मतलब यहां से हमने इसके ऊपर चाप काटा, ये लिया और यहां से हमने इस पर चाप काट दिया, ये चाप काट दिया और इसी से इस पर स्पर्श रेखा खींच दी, अतः सी डी अपवर्ती तरंगाग्र होगा। अतः सी डी अपवर्तित, अपवर्तित तरंगाग्र कहलाता है। तो आपतित तरंगाग्र द्वारा बना कोण तो आपतन कोण और अपवर्तित तरंगाग्र द्वारा बना कोण अपवर्तन कोण तरंगाग्र कहलाता है। तो ये होगी हमारे पास इसकी थ्योरी। एक बार और इसको समझ लें हम डायग्राम पे ध्यान से कि ए बी एक समतल तरंगाग्र है या आपतित समतल तरंगाग्र है, किरण एक और दो इसके संगत किरणें हैं। जब इस समतल तरंगाग्र ए बी, ये समतल तरंगाग्र ए बी का सिरा ए जब इस अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है तो सिरा बी इसको स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि इससे दूर है, सी पर नहीं पहुंचा, भी दूर है। तो अब इस कंडीशन में जब बी सी तक पहुंचेगा, बी सी तक जाएगा तो इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो माना कि इसको स्मॉल टी समय लगता है, तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये यहां थोड़ी रहेगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो वही स्थिति जब ये बी से सी तक गया तो इसने बी वन टी दूरी तय करी, जब इसने बी वन टी दूरी तय करी तो ये भी कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगा। तो उसी समय में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि यहां पर वेग हो गया वी टू, यहां पर माध्यम एक में वेग था वी वन और यह माध्यम दो चाल हो गया, यहां का वेग क्या है वी टू, तो वी टू और समय कितना लग रहा है वही टी समय, तो वी टू टी दूरी तय कर लेगा। और हम अब क्या करते हैं, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या करते हैं, इस बिंदु ए से बी टू टी का चाप काटते हैं, ये हमने काट दिया बिंदु ए टी का चाप, और यह चाप काटकर इस पर सी से क्या खींच देते हैं हम स्पर्श रेखा, जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हो गया अपवर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र हो गया ये, अपवर्तित तरंगाग्र।
तो इस पर से क्या खींची तो 90 डिग्री पे होगा, तो ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया हमारे पास सीडी, तो ये आपतित तरंगाग्र या अपवर्तित तरंगाग्र, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखो उपरो चित्र में ए बी एक समतल तरंगाग्र है जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः एक और दो है, जब समतल तरंगाग्र ए बी का बिंदु ए अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है तो इसका इसका बिंदु बी अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है। माना कि बिंदु बी को बिंदु सी तक पहुंचने में स्पोर्ट टी समय लगता है वहां से वहां तक, तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी BC बराबर V1T, ये दूरी। फिर इस समय में समतल तरंगाग्र AB का बिंदु A, ये बिंदु A अपवर्तित होकर V2T दूरी तय कर लेता है, मतलब ये जब यहां तक पहुंचेगा तो ये पहले पहुंच चुका है, ये भी आगे बढ़ेगा, दूरी तय कर लेता है। अतः बिंदु A को केंद्र मानकर यहां से V2T का चाप काटते हैं और बिंदु C से इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं और ये कहलाएगा CD अपवर्तित तरंगाग्र। हो गया क्लियर? ये हो गई इसकी थ्योरी। अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें तो अपवर्तन का नियम लाना है, स्नेल का नियम सिद्ध होना चाहिए, तुम्हारा अपवर्तन का नियम या अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी वरना नहीं होगी। तो हम देखते हैं आगे, ये इसको तो रफ कर देते हैं, ये तो हो गई थ्योरी इसकी। अब देखें, अब बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, तो हम ले रहे हैं चूंकि डेरिवेशन कर रहे हैं इसका, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज को देखते हैं इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी में हम ध्यान से देखते हैं तो ये कोण आई और आई के सामने बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, आई है आई, आई के सामने भुजा लंब, लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन थीटा, तो साइन आई, तो ये आ गया मेरे पास साइन आई, साइन आई बराबर लंब, लंब है मेरे पास बीसी और कर्ण है एसी, तो ये आ गया साइन आई बराबर बीसी अपॉन एसी, और बीसी का मान कितना ये निकाला था मैंने वी वन टी दूरी है, चूंकि साइन में लिख देंगे चूंकि बीसी बराबर V1T, BC का मान कितना है V1T, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन I बराबर V1T बटे AC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो पहला जो त्रिभुज था ये त्रिभुज ABC, इसमें सोल्व कर ले क्योंकि इसमें कोण I बन रहा था, तो साइन I का मान निकाल ले क्योंकि इसने के नियम में साइन I और साइन R आता है, तो हमें साइन आई और साइन आर के मान निकाल लें, तो ये इससे आई का मान निकाल लिया। दूसरा त्रिभुज है एबीसी, इससे मैं किसका मान निकालूंगा आर का, साइन आर का, तो देखें फिर चूंकि त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडी सी में, देखो ये त्रिभुज एबीसी में था और दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज एडीसी में, तो वही साइन आर बराबर वही लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया इसमें एडी और कर्ण वही एसी, आर के सामने भुजा लंब, लंब और एसी कर्ण, तो लंब बटे कर्ण वही साइन आर, और चूंकि एडी का मान हम निकाल चुके हैं V2T चाप था हमारे पास, क्योंकि AD AD बराबर V2T, ये चाहो तो यहां पर ही लिख लें, लिखा नहीं ये V2T, ये A से लेकर चाप काटा था तो ये दूरी कितनी होगी V2T, A से लेकर B तक तो V2T, और ये AD की जगह भी ये वैल्यू हम पुट कर दें, ये आ गया साइन आर बराबर वी टू टी अपॉन एसी, वी टू टी अपॉन एसी, समीकरण नंबर दो। अब देखें समीकरण एक और समीकरण दो, तो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग लगा दें, तो देखें समीकरण एक डिवाइड बाय समीकरण दो,
समीकरण एक डिवाइड बाय समीकरण दो। तो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, देखें साइन एलएचएस में एलएचएस का भाग और आरएचएस में आरएचएस का भाग, तो ये साइन आई एलएचएस में एलएचएस का भाग साइन आर, भाग लगा दिया हमने तो देखते हैं हम कितना रहा है साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई का मान मेरे पास कितना है, इधर आरएचएस क्या है वी वन टी, वी वन टी बटे एसी, और ये आ गया अपने पास बटा वी टू टी बटे एसी। तो ये देखते हैं हम एसी से एसी कैंसिल, तो ये टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर वी वन अपॉन वी टू, क्योंकि टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वी वन अपॉन वी टू, समीकरण नंबर तीन। अब हमें वी वन वी टू के मान निकाल किस में रखते हैं, हमें अपवर्तनांक की फॉर्म में लाना है, तो हम यहां देखते हैं आगे निरपेक्ष अपवर्तनांक से, किससे निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो देखें चूंकि निरपेक्ष, चूंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक मैं पढ़ा चुका हूं पहले, निरपेक्ष अपवर्तनांक तो यहां आ जाएगा मेरे पास एन वन बराबर सी अपॉन वी वन, पहले माध्यम ले सी अपॉन वी वन, प्रकाश का वेग बटे माध्यम की माध्यम का वेग, तो एन वन बराबर सी अपॉन वी वन या सी प्रकाश का वेग तथा, तो इससे तो किसका मान निकल जाएगा वी वन का, या वी वन बराबर सी अपॉन एन वन, सी अपॉन एन वन, या इसी को यही निकाल लो इंप्लाइज डेट, देखिए इंप्लाइज डेट v1 बराबर c अपॉन एन वन तथा n2 बराबर c अपॉन v2 आ जाएगा, ऊपर तो प्रकाश का वेग ही आना है, n2 बराबर c अपॉन v2, ये दूसरे माध्यम के लिए, तो इसे हम किसका मान निकालेंगे वही v2 का, तो v2 बराबर c अपॉन n2, इस पे समीकरण लगा देते हैं हम, समीकरण नंबर तीन आ गई थी समीकरण नंबर चार। अब ये जो हमने v1 और v2 की वैल्यू निकाली है वह इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देंगे, तो समीकरण तीन और समीकरण चार से, तो समीकरण तीन एवं समीकरण चार सी, समीकरण तीन एवं समीकरण चार से, तो ये आ गया इसकी जगह मान रखेंगे हम वी वन वी टू की जगह, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर वी वन की वैल्यू रखी मैंने सी अपॉन एन वन, ये सी अपॉन एन वन बटे सी अपॉन एन टू, तो ये आ गया हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर बराबर सी अपॉन एन वन मल्टीप्लाई, नीचे वाला पद उलट जाएगा एन टू अपॉन सी और सी से सी कैंसिल, तो ये हमारे पास मान आ गया, क्या वैल्यू आई ये देखते हैं, ये आ गया साइन साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन टू अपॉन एन वन, और ये किसका नियम था स्नेल का नियम, समीकरण नंबर फाइव, यही स्नेल का नियम है, यही किसका नियम है स्नेल का नियम है। अब हम क्या करते हैं, यही जब स्नेल का नियम है तो आगे बढ़ाते हैं,
इसमें इनके नियम को जेसर का नियम है। दूसरा आपतित तरंगाग अपवर्ती तरंगाग, आपतित तरंगाग और अपवर्ती तरंगाग तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो ये तो हो गया स्नेल का नियम। आगे इसका ही दूसरा नियम, आपतित तरंगाग अपवर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, जो कि अपवर्तन का नियम है। अतः हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या होती है। तो देखने ध्यान से, हाँ तो ये हमारे पास अपवर्तन की व्याख्या हुई। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या। फिर भी इसके पहले वाला टॉपिक था परावर्तन की व्याख्या। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही हम ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में लेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।